नमस्कार, मैं हरि प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ का वेब पोर्टल। राजीव तलवार, यह नाम शायद आप उल्लू टीवी की वजह से जानते हैं। आपको पता है उल्लू टीवी के राजीव तलवार इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव निशान ट्रॉफी। आज हमने उल्लू टीवी के डायरेक्टर राजीव तलवार जी से बात की। जहाँ एक तरफ प्रत्याशी यह दावा करते हैं कि वह चुनाव जीत रहे हैं, वहीं उल्लू टीवी के राजीव को यह विश्वास है कि इस चुनाव में अगर वह 500 वोट भी पा गए तो वह बहुत मायने रखेगा। क्या रही उनसे बातचीत, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव का समय अपने अपने हिसाब से हर प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में लगा हुआ है। ऐसे में आजमगढ़ में एक ऐसा भी प्रत्याशी लड़ रहा है जिसे आजमगढ़ की जनता पिछले 4 साल से सड़कों पर हाथों में तख्ती और संदेश लिए देखती है। इस प्रत्याशी का नाम है राजीव तलवार। हालांकि राजीव तलवार लोगों की जुबान पर उस समय आए जब इन्होंने आज के 4 साल पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने कुछ बच्चों के साथ गाली गलौज करते हुए इनका वीडियो वायरल हुआ। उस खबर को हर चैनलों ने प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद राजीव तलवार जेल भी गए। कुछ दिनों बाद जेल से जब वह रिहा हुए तो वह लगातार एक तख्ती लेकर के और अपना विरोध जताते रहे। इस बार वह लोकसभा चुनाव में निर्दल प्रत्याशी हैं और उनका चुनाव निशान ट्रॉफी है। राजीव तलवार से हमने बात की किन मुद्दों पर वह चुनाव लड़ेंगे, क्या उल्लू टीवी के मायने हैं और किस तरह वह अपने मतदाताओं को कैसा संदेश देना चाहते हैं। पूरी जो बातचीत रही वो कुछ इस प्रकार से रही, खुद राजीव तलवार के जरिए सुनते हैं। जिस तरह से इस देश में मोदी, मुलायम, मायावती और कांग्रेस के नाम पर वोट मिलता है, अगर राजीव तलवार के पसीने में दम होगा तो जिस तरह आज मैं 25,000 + 5,000 में चुनाव लड़ लूँगा, पसीने से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आने वाले समय में अगर राजीव के पसीने में सच्चाई होगी, दम होगा, तो राजीव के नाम पर लोगों को वोट मिलेगा या जिंदा रहते या मौत के बाद। कितना आप अपने आप को मान रहे हैं कि कितने वोट आपको मिलेंगे? मुझे लगता है कि 500 वोट मुझे मिल जाए, मिल सक 500 शेर तो इस शहर में है, 500 वोट जरूर मिलेगा। और अगर कहीं शेर ताव में आ गया तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। सबके लिए बस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। आपका झूठ बिका है अब तक, इस दुनिया में झूठ बिका है आप सबका। राजीव तलवार का सच इस देश के मर्द जरूर खरीदेंगे और फिर सब पर अकेले राजीव तलवार भारी पड़ेगा, लिख के रख लीजिए। हाँ, उन भगवान के लिए भोले ओ भोले मेरे यार को मना ले, ओ प्यार फिर जगा दे, मेरे भगवान मुझे स्वीकार करेंगे। और अब चुनाव पर भी बता दीजिए, इच्छा का बहुत है। चुनाव ये नहीं है, मूर्ख बनाया जाता है इस देश की जनता को। हर 5 साल बाद कोई पार्टी चुनाव जीतती और ये देश हार जाता है। जोंक है इस देश की पार्टियां जिसको हम उल्लू समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो आपके चैनल का नाम उल्लू टीवी कहाँ है, ये भी बता। दुनिया का सबसे मूर्ख प्राणी मनुष्य है ये, मैं आज कह रहा हूँ, कल लोग स्वीकार कर लेंगे, इसलिए मैंने इसका नाम उल्लू टीवी रखा है। उल्लू मुझे अच्छा लगता है, उल्लू इज माई फेवरेट एनिमल। 4 साल सड़कों पर संघर्ष के दौरान ये पता चला कि आजमगढ़ और भारत में और पूरी दुनिया में कोई अंतर नहीं है। बचपन में शक था कि यार मर्दानगी क्या होती है, और 4 साल बाद पता चला कि इस देश और दुनिया में मर्द तो हैं ही नहीं, नामर्द तो हम भी हैं, स्वीकार करते हैं, मूर्ख हैं लेकिन मर्द बनना चाहते हैं। मुझे इस देश से मर्द मिलेंगे, चुनाव खत्म होते ही मुझे मालूम है कि इस देश से मुझे मर्द मिलने शुरू होंगे। उससे पहले कुछ मर्द मिल गए हैं, और जिस दिन मर्द कुछ मिल गए, इस चुनाव के बाद 500 सांसद होंगे, मोदी, मुलायम, मायावती होंगे, अधिकारी होंगे। ये वादा रहा इस देश की मीडिया को गुलाम बनाने वाले, तुम्हारी गुलामी का दिन आने वाला है। यहाँ नहीं पूरे देश में सिर्फ एक कमी है, जब मर्द आप नहीं रहेंगे तो समस्याएं रहेंगी, उन समस्याओं का समाधान किसी के पास नहीं होगा। जिस देश की सरकारें सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल अच्छे से नहीं चला सकती, उस देश क्या चलाएंगी। चुल्लू भर पानी में सबको डूब के मर जाना चाहिए, इस देश की जनता को और हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कमियां मैं नहीं बता सकता, मैं दूसरों की कमियां क्या बताऊं, हम लोगों के अंदर कमी है इसीलिए इतनी परेशानियां हैं। विकास पर्याप्त हो चुका है इस देश में, विकास की नहीं विश्वास की जरूरत है। इस देश को मालूम नहीं विकास और विश्वास में अंतर क्या है। अभी अगर मोदी ताऊ से या देश के नेताओं अधिकारियों को पूछा जाए कि विश्वास चाहिए कि विकास, तो बोलेंगे साले विकास, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं विकास 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 के अलावा उनको कुछ मालूम ही नहीं। जबकि बिना विश्वास पूरी दुनिया में
कहीं विकास नहीं हो सकता। मतलब विश्वास सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई समझदार हो, चर्चा करे, तो पता चल जाएगा कि बिना विश्वास समाज में विकास नहीं हो सकता। संस्कार विहीन समाज कभी विकास नहीं कर सकता। सामाजिक समस्याओं के खिलाफ तख्ती लेकर के आप घूमते रहते हैं। सुदर्शन चक्र है मेरा, वो तख्ती नहीं है, सुदर्शन चक्र है। कमियां दूर करने की बात नहीं है, और कमियां तो तभी दूर होगी जब हम मर्द बनेंगे, लेकिन मेरा मकसद जो है 99% ये सुदर्शन चक्र ने पूरा कर दिया है। चुनाव खत्म होते ही लोगों को धीरे धीरे दिखने लगेगा। अभी मीडिया के अंदर तरह से मानते हैं अपने, तो मीडिया से नाराज भी करेंगे। पत्रकार उतना ही बेईमान जितना कि हम लोग, इस देश का अधिकारी उतना ही बेईमान जितना कि हम लोग। काम करने का तरीका है नाराजगी किसी से नहीं, बस मेरा काम करने का तरीका है, किसी को दर्द देने का मकसद नहीं है। लेकिन अगर मेरे कर्मों से किसी को दर्द होगा तो मैं परवाह भी नहीं करूंगा, क्योंकि नामर्द को दर्द होता है, मर्द को दर्द नहीं होता है। टॉफी खाएगा, टॉफी खिलाएगा और टॉफी बांटेगा।